नाथ और नारायण जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 4:3:2, इनमें से नाथ जो है वो रिटायर हो गया। और जिस दिन नाथ रिटायर हुआ उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई ₹21,600। अब ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री आपको दे रखी है बच्चों गुडविल की, इसको देखिए। ये एंट्री है मानव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ्स कैपिटल अकाउंट। मानव को हमने डेबिट किया है ₹3,900 से, नारायण को डेबिट किया है ₹3,300 से और नाथ को क्रेडिट किया गया है ₹7,200 से। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि आप नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए कि मानव और नारायण का क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो जानने के लिए हमें मानव और नारायण दोनों का गेन पता होना चाहिए। ओल्ड शेयर तो पता ही है, ओल्ड रेशियो पता है तो ओल्ड शेयर भी पता ही होगा। तो मानव और नारायण का, सॉरी, नाथ तो रिटायर हो गया। नया रेशियो निकालने के लिए हमें उनका गेन पता होना चाहिए और उसके लिए उनका गेनिंग रेशियो पता होना चाहिए। और वो कैसे निकलेगा गेनिंग रेशियो, वो देख लीजिए। ये जो आपको एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल दे रखी है इसमें आपने मानव को डेबिट किया है ₹3,900 से, नारायण को डेबिट किया है ₹3,300 से। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री में जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो अपने गेनिंग रेशियो में ही डेबिट किए जाते हैं। तो इसका मतलब हमें मानव और नारायण का गेनिंग रेशियो तो पता है। और जब हमें इनका गेनिंग रेशियो पता है तो हम गेनिंग रेशियो की हेल्प से इनका गेन निकाल लेंगे, इनके गेनिंग रेशियो को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके। एंड देन उनका गेन मिलते ही उनके ओल्ड शेयर में से प्लस कर देंगे इनके गेन को और इनका नया शेयर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए जो मैंने बोला है उसको अब देख भी लेते हैं। तो बच्चों मानव और नारायण इनका गेनिंग रेशियो निकालने के लिए जितने अमाउंट से इनको डेबिट किया गया है इन द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल उनका रेशियो निकाल लीजिए, इनका गेनिंग रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनका हमें गेनिंग रेशियो मिल गया। गेनिंग रेशियो से इनका गेन निकाल लेंगे, जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके इनके गेनिंग रेशियो को। अगर मुझे मानव का गेन चाहिए तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके गेनिंग रेशियो को नाथ के शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 24 है बच्चों, 13 + 11 = 24, इंटू 3/9 कर देंगे जो कि निकल कर आएगा 13/72। ऐसे ही नारायण के गेन को निकाल लेते हैं, इलेवन बाय 24 इंटू 3/9। तो दोनों के गेनिंग रेशियो को रिटायरिंग के पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इनके गेन निकल आएंगे जो कि निकल भी आए। 13/72 मानव का गेन आया है, 11/72 नारायण का गेन आया है। अब निकालना है केवल इनका नया शेयर जो कि आ जाएगा ओल्ड शेयर प्लस गेन करके। तो बच्चों मानव का नया शेयर होगा उसका ओल्ड शेयर जो कि 4/9 था प्लस इसका गेन जो कि 13/72 है, इन्हें ऐड करेंगे तो निकल कर आएगा ये 9 8 72, 4 8 32 प्लस 3 13, 45/72। नारायण का नया शेयर आएगा 2/9 प्लस उसका गेन जो कि 11/72 है, तो 9 8 72, 2 8 16, 16 + 11 27/72। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 45:27, जिसे हम और छोटा कर सकते हैं और लिख सकते हैं 5:3। तो दिस इज देयर न्यू रेशियो। क्लियर बच्चों, आगे सुन में। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं बच्चों एग्जाम में, स्पेशली वन मार्कर्स में। तो यहाँ हमने क्या करा कि जो भी गुडविल का एंट्री दे रखी थी उसकी हेल्प से पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो ढूंढ लिए, और जब पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो मिल गए तो उसके हेल्प से हमने गेन निकाल लिया उनके गेनिंग रेशियो को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके। और फिर जब उनके गेन मिल गए तो हमने इनके
गेन को प्लस कर दिया उनके ओल्ड शेयर में, जिससे उनका नया शेयर आ गया, और नया शेयर कंपेयर करके नया रेशियो भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों,